Kids, in this video of IMU for class 7, I am going to discuss set B of 2022-23. First part is already uploaded. In this part, I will cover remaining 25 question, means question number 6 to 50. So start karte hai with first question. First question means ki question number 26 is, at what rate percent per annum rupee 10,800 should be invested to get an interest of 1350 into whole 1/2 years? Means ki basically in this question, प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन, सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन, टाइम इज गिवन और हमें फाइंड आउट क्या करना है, आर. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. तो नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द इक्वेशन फॉर आर. आर क्या हो जाएगा? आर को हम यही रखते हैं. अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो एस आई सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड विथ 100 और डिवाइडेड बाई आर के प्रोडक्ट में पी एंड टी थे तो अपोजिट साइड जाएंगे तो वो डिवीजन में चले जाएंगे, पी मल्टीप्लाइड विथ टी. नाउ वैल्यूज पुट करते हैं इन दिस इक्वेशन. तो नाउ आर विल बी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 1350 इंटू 100, ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं. और प्रिंसिपल क्या है, 10,800 क्वेश्चन में गिवन है, इंटू टाइम. टाइम गिवन है टू होल 1/2, तो टू होल 1/2 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड विथ 2, 4, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5. तो ये हो जाएगा 5/2. नाउ दिस जीरो से ये ऊपर के दो जीरो कैंसिल. नाउ 2 के टेबल से यहाँ क्या आएगा, 54. नाउ 5 के टेबल से इसको हमने कट किया तो 5 2 10, बचा क्या रिमाइंडर 3, और 3 5 से क्या हो गया, 35, 5 7 35 और यहाँ आएगा 0, ठीक है. मीन्स फाइनली आर इज इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाई 54. नाउ 27 की टेबल से 27 2 54 और 27 10 270. नाउ 2 5 10 मीन्स आर इज इक्वल टू 5%, ठीक है. जितना आप कट करके सिंप्लीफाई कर सकते हो आप करते जाओ. 5% मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन. इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल एंगल सी डी ए. एंगल सी डी ए मीन्स एंगल सी डी ए, दिस एंगल इज 95 degree, ओके. एंगल बी ई सी, बी ई सी दिस इज 28 degree, ठीक है. एंगल डी ए बी, डी ए बी मीन्स दिस इज 25 degree. फाइंड द वैल्यू ऑफ डी सी ई मीन्स दिस एंगल, ठीक है. तो नाउ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे इस ट्रायंगल के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है. इस ट्रायंगल को देखें, इसका एक्सटीरियर एंगल दिस वन 95 degree, इसकी वैल्यू पता है हमें 25 degree. तो नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है. तो नाउ यहाँ क्या हो जाएगा, 95 degree इज इक्वल टू 25 degree, लेट दिस इज एक्स प्लस एक्स, ठीक है. आप ऐसे लिख लो या आप लिख लो एंगल ए बी डी, ठीक है. हम क्या लिख सकते हैं, 95 degree इज इक्वल टू 25 degree प्लस एंगल ए बी डी, ठीक है. तो नाउ एंगल ए बी डी विल बी इक्वल टू 95 degree माइनस 25 degree इज इक्वल टू 70 degree, ठीक है. नाउ हमें यहाँ पता चल गया कि दिस एंगल इज 70 degree. नाउ दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस ट्रायंगल, ठीक है. तो नाउ अब इसकी वैल्यू हमें पता है, दिस इज 28 degree. तो नाउ 28 degree पता है, एक्सटीरियर एंगल पता है, तो वी कैन फाइंड दिस एंगल, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 degree, जो एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल टू 28 degree. एक इंटीरियर एंगल पता है, प्लस ये क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है, बी सी ई एंगल, बी सी ई, ठीक है. नाउ यहाँ से एंगल बी सी ई will be equal to 70 degree minus 28 degree is equal to, minus करेंगे 10 से 8 गया 2, power क्या बची, 10 से 8 गया 2, बचा क्या 6, 6 से 2 गया 4, 42 degree. Now BCE and DCE will be equal, तो हमारा angle DCE will be equal to angle BCE
दैट इज इक्वल टू 42 डिग्री. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28. 5/7 ऑफ अ नंबर एक्स इज इक्वल टू 4/5 ऑफ अनदर नंबर वाई. वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ वाई इज इक्वल टू 75. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऑफ का मीन्स क्या होता है? प्रोडक्ट. मीन्स 5/7 ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स डॉट 5/7, प्रोडक्ट हो गया. सेम वे 4/5 ऑफ अनदर नंबर वाई मीन्स 4/5 ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई इंटू 4/5. वाई की वैल्यू क्या गिवन है? 75. पुट करते हैं 75 मल्टीप्लाइड विथ 4/5. नाउ 5 की टेबल से डिवाइड करते हैं. 5 1 5, रिमाइंडर आया 2, 2 एंड 5 से 25, 5 5 से 25. ठीक है, नाउ 15 इंटू 4 क्या होगा? 60. मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू 60. नाउ ये वैल्यू 60 हो गई तो हम x कैसे फाइंड आउट करेंगे? x विल बी इक्वल टू 60. 7 अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट, बिकॉज दिस साइड डिवीजन था. 5 यहाँ प्रोडक्ट था तो अपोजिट साइड जाएगा तो डिवीजन. 5 से डिवाइड किया, 5 12 जा 60, 5 1 जा 5, बचा रिमाइंडर 1, 1 0 से 10, 5 2 जा 10. अब 12 इंटू 7 तो x विल बी इक्वल टू 84. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. हाँ, क्वेश्चन नंबर 29. इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू अ स्केल, डी ए ई मीन्स दिस वन, सी बी एच मीन्स दिस वन एंड ए सी जी दिस वन आर स्ट्रेट लाइन. ठीक है, स्ट्रेट लाइन है. डी ए ई, डी ए ई मीन्स दिस वन पैरेलल टू सी बी एच दिस वन एंड दिस पैरेलल टू एफ जी. फाइंड एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली. क्लियर है? स्ट्रेट लाइन से और ये पैरेलल लाइन से हमें फाइंड आउट क्या करना है? दिस एक्स की वैल्यू और दिस वाई की वैल्यू. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफ जी एंड डी ए ई पैरेलल है, यहाँ पे क्लियरली मैंशन है. ठीक है, एंड स्ट्रेट लाइन क्या है? ए जी मीन्स की दिस इज ट्रांसवर्सल. नाउ अब यहाँ पर क्या होगा? ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों का समीशन क्या होगा? 180 डिग्री. मीन्स 70 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो नाउ x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री. अक॑ॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट डी ए पैरेलल है इसके साथ, मीन्स दीज टू लाइन्स आर पैरेलल और ये इसकी ट्रांसवर्सल है जो हमारी बी ए है. तो नाउ इन दोनों का समेशन क्या होगा? 180 डिग्री मीन्स 35 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो वाई विल बी इक्वल टू 180 माइनस 35 इज इक्वल टू 145 डिग्री. नाउ ऑप्शंस देख लेते हैं. 110 एंड 145, बी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 30. फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल. जब पैरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हमें सारे साइड्स प्रॉपरली पता होने चाहिए. ये क्या हो जाएगा? 2, बिकॉज ये साइड 2 है तो ये हो गया 2. ठीक है, ये हो जाएगा 6 बिकॉज दिस इज 6, ये हो जाएगा 4 बिकॉज दिस इज 4, ये हो जाएगा 4 बिकॉज दिस इज 4. ठीक है, नाउ इस साइड के लिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 7 5 है ना, 7 + 5 12, 12 + 3 15. ठीक है, ये सारे एक साथ करोगे तो इस पे आएंगे तो ये हो गया 15. ठीक है, नाउ सेम वे यहाँ से 2, ये 6 और ये 2, 6 2, ये क्या हो गया? 10. ठीक है, नाउ इसके लिए करें तो 2 + 6 + 4, 2 4 + 6 मीन्स दिस इज 12. ठीक है, नाउ अब हम इसको ऐड करते हैं तो सबसे पहले है 15, देन है प्लस 12, देन है प्लस 10, देन है प्लस 3. किसको किसको लिख लिया? ये डन, ये डन, ये डन, ये डन. ठीक है, नाउ इस साइड से देखें, इस साइड से क्या हो जाएगा? प्लस 2 दिस वन, फिर प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 4, ये साइड भी डन हो गया. नाउ ऊपर से क्या हो जाएगा? दिस इज 7 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4, ये 2 ये 4 प्लस 6 दिस वन प्लस 4 दिस वन प्लस 2 प्लस 5. ठीक है, डन. नाउ प्लस करते हैं, 15 प्लस 12 27 प्लस 10 37, 37 प्लस 3
37 plus 3 40 plus 2 42 plus 4 46 plus 6 52 plus 4 56 plus 4 60 67 plus 2 69 69 plus 4 73 73 plus 6 73 plus 6 79 79 plus 4 79 plus 4 83 83 plus 2 85 plus 5 90 means which option is correct. Option check karte hain to option D is correct for this. Ye question integer ka hai. Which of the following number line represent minus 4 minus minus 2. Hum aate hain minus 4. Theek hai, isko aap aise bhi likh sakte ho minus 4 minus aur minus ka product hoga to plus 2. ठीक है, means सबसे पहले हम चार स्टेप कहाँ गए, backward, means minus 4 का means होता है backward side, फिर plus 2 हुआ, means plus 2 steps आगे आए, तो this is the right way, तो A is the right option. Now, question number 32, find the number of match sticks used in pattern 35, ठीक है, तो now, this is pattern number 1, pattern number 1 में कितनी use हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पैटर्न वन में हो गई 6, पैटर्न टू में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, नाउ पैटर्न नंबर 3 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. यहाँ क्या यूज हो गई, 14. तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पर हमने क्या किया, प्लस 4 किया, यहाँ हमने क्या किया, प्लस 4 किया, एक तो ये हो गया. हमें चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि हमें चाहिए 35th का, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 कैन बी रिटन एज 4 प्लस 2. ठीक है, अब इसका पैटर्न नंबर 1 था तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस 2. ठीक है, सेम वे नेक्स्ट पैटर्न में 10 है, मींस क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2. अब 8 कैसे आया, 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर प्लस 2 किया. ठीक है, नाउ थर्ड में है एन की वैल्यू 3, तो यहाँ क्या है हमारे, यहाँ पर है हमारे 14, मींस 12 प्लस 2, 2 फिक्स है, मींस 4 को हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 3 के साथ, फिर प्लस किया 2. तो ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखे ये पैटर्न नंबर है, तो अगर हम 35th का फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर पैटर्न ब्लॉक ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले तो 4 देन 35 और प्लस इसके साथ 2. नाउ 35 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आएगी 140 प्लस 2 is equal to 142. Which option is correct? Option देख लेते हैं. Option A is correct for which of the following statement is incorrect? A cone has 3 faces. A sphere has 1 face. A cube has 6 faces. A cylinder has 3 faces. A cone has 3 faces. This is wrong because cone में एक तो होता है आपका जो triangle shape में होता है ये face और एक नीचे होगा. Means कि in cone there is only 2 faces. Sphere has 1 face. This is correct. Cube has 6 faces. Dice आपका example होता है cube का, उसके 6 faces होते हैं. Cylinder has 3 faces. एक होता है आपका जो rectangle shape में यहाँ होता है और ये दो, तो 3 faces. All are correct. Option A is incorrect. Means option A is the right option. Now, how many number of lines of symmetry and order of rational symmetry respectively are there in the given parallelogram. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, पहले तो लाइन ऑफ सिमेट्री और फिर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इन पैरेललोग्राम. तो देखो यहाँ पर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. ठीक है, बिकॉज आप देखो जब ऐसे करोगे तो भी नहीं बन रही है, ऐसे करोगे तो भी नहीं बन रही, मीन्स की नंबर ऑफ नहीं लाइन ऑफ सिमेट्री तो क्या होगी, जीरो. ऑर्डर ऑफ रोटेशनल, अब रोटेशनल को क्या होता है, इसको दो बार रोटेट करोगे तो सेम ऐसा ही शेप आ जाएगा, मींस इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो टू है. ठीक है, रोटेशनल का मींस होता है कितने रोटेशन करने के बाद सेम मिले, तो आफ्टर टू रोटेशन. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो एंड टू. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. इन द गिवन फिगर टू सेमी सर्कल्स आर अटैच टू बोथ एंड्स ऑफ द रेक्टेंगल हुज diameter are AD and BC respectively. Also a right angle triangle is attached along the length of the rectangle. Find the area of the shaded region. हमें किसका area find out करना है, shaded region का, तो means जो इसमें shaded shape है उनके area find out करके उनको plus कर दें, तो 1 by 1 करते हैं. तो सबसे पहले हम करते हैं सेमी सर्कल का, this is सेमी सर्कल. Diameter क्या है, 14, means की 2R is equal to 14. तो यहाँ से R will be equal to 14 by 2 is equal to 7. Now, area of a circle क्या होता है, pi
आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, सेमी सर्कल, तो क्या हो जाएगा 1/2। एंड कितने सेमी सर्कल्स हैं, 2, मीन्स मल्टीप्लाइड विथ 2, मीन्स फाइनली एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर फाई फॉर 2 सेमी सर्कल्स। नाउ वैल्यू पुट करते हैं, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल विल बी इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7 आर स्क्वायर, मीन्स 7 मल्टीप्लाइड विथ 7, 7 से 7 कैंसिल हुआ। नाउ 7 × 2 = 14 की 4 पावर आई 1, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस ट्रायंगल का यहाँ बेस क्या है, 24, लेंथ क्या है 14, ठीक है। तो नाउ इसका फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, जिसकी वैल्यू क्या है 24, इंटू हाइट, हाइट क्या है 14। तो यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 2 से 12 आ जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। तो नाउ क्या हो जाएगा, 12 × 14, 14 × 8 = 28 की 8 power 2, 14 × 1 = 14 + 2 क्या हो जाएगा 16, ये हो गया इसका एरिया, ठीक है। नाउ अब बचा क्या, दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के लिए क्या है, ये हो गया हाइट, ये हो गया बेस। अब ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट दिस वैल्यू इज एक्स, तो पाइथागोरस यूज करेंगे बिकॉज राइट एंगल है, तो 25² इज इक्वल टू 24² दिस वैल्यू प्लस x², तो x² इज इक्वल टू 25² माइनस 24². 25² इज 625 और 25 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576, ठीक है, 576, दोनों का डिफरेंस क्या होगा 49, मींस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 49 इज इक्वल टू 7। नाउ ये लेंथ क्या हो गई 7, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल 1/2 इंटू हाइट क्या हो जाएगी, दिस वन, मीन्स 24, और लेंथ क्या हो जाएगी, दिस वन जो कि हमने कैलकुलेट की थी 7, 2 की टेबल से यहाँ आएगा 12, 12 × 7 क्या हो जाएगा 84, मीन्स सेमी सर्कल का था 154 जो हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चेक करो, दिस इज़ फॉर सेमी सर्कल, दिस इज़ फॉर राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज़ फॉर दिस वन ट्रायंगल। नाउ इन सबको ऐड करते हैं, वी गेट द वैल्यू, तो फाइनल क्या हो जाएगी वैल्यू सबको, तो 154, 168 और 84 सबको प्लस किया, 4 + 8 12, 12 + 4 = 16 की 6 पावर आई 1, 1 + 5 = 6, 6 + 6 = 12, 12 + 8 = 20 की 0 पावर आई 2, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 406 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। एवरीडे अर्थमेटिक फर्स्ट क्वेश्चन इज, आरव स्टार्ट्स रीडिंग अ रिलीजियस बुक इन विच देयर आर 1083 पेजेस, ही रीड्स 285 पेजेस एंड 342 पेजेस इन फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ रिस्पेक्टिवली, वॉट फ्रैक्शन ऑफ टोटल पेजेस ही स्टिल नीड्स टू रीड, ठीक है। तो टोटल जो उसने रीड किया, टोटल रीड पेजेस इज इक्वल टू 285 + 342, मीन्स 5 + 2 = 7, 8 + 4 = 12 की 2 पावर आई 1, 627 रिमेनिंग पेजेस इज इक्वल टू 1083 माइनस 627 माइनस करते हैं, 13 से 7 जाएगा 6, 7 से 2 जाएगा 5, 10 से 6 जाएगा 4, ठीक है। नाउ हमें बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल पेजेस ही स्टिल नीड्स टू रीड, अब फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो इसके रिमेनिंग पेजेस क्या है, 456 एंड टोटल पेजेस क्या हैं, 1083, ठीक है। अब 3 लिखा है, मींस 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसको 3 से ट्राई करते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, यहाँ पे 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18 और 3 × 1 = 3, ठीक है। नाउ अब इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, तो अब ये 3 की टेबल से तो जाएगा नहीं, 361 है, तो नाउ अब इसको हम 19 की टेबल से डिवाइड करें, तो 19 × 8 = 152 और 19 × 1 = 19 बचा कितना रिमाइंडर 17 और 19 × 9 = 171, तो 8/19 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस।
The weekly pocket money in rupee of 9 student is as follows. Find the median of the above data. तो सबसे पहले जब हमें median value find out करनी होती है तो इन्हें हमें ascending order में arrange करना होता है. Ascending order में means सबसे least value जो है वो सबसे पहले आएगी. सबसे छोटी value इसमें क्या दिख रही है हमें 58. तो हमारा यहाँ पे 58 आ जाएगा. How many 58? 1, 2, 3. तो 58. Now 58 से बड़ा क्या दिख रहा है? 64. 2 times. 64. नाउ क्या दिख रहा है? 67. 2 टाइम्स. ठीक है. नाउ 67 से बड़ा 72 एंड लास्ट इज 77. ठीक. नाउ अब हमें इन्हें काउंट करना है ये कितने हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 नंबर से मींस ऑड है. तो मेडन क्या होगा? मेडन इज इक्वल टू होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एथ टर्म जब हमारा ऑड होता है. इवन वे एन बाई टू होता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो टर्म आएगा वो कैसे हो जाएगा? 9 प्लस 1. 9 हमने काउंट किया था तो 9 थे. 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5th. मीन्स 5th वन होगा. तो 1, 2, 3, 4, 5, 64 इज द मेडन वैल्यू. डी इज द राइट ऑप्शन. नाउ विकास मेड अ रनिंग ट्रैक ऑफ विथ 3.5 सेंटीमीटर अराउंड अ सर्कुलर गार्डन whose diameter is 21 centimeter, what is the area of the running track? ठीक है. तो हमें सबसे पहले find out करना होगा area outer track का, means कि outer circle का, then inner circle का, then दोनों का difference लेंगे तो we get the value. ठीक है. Now अब बीच वाले का जो circle है उसका हमें dia पता है. dia क्या दे रखा है? इस circle के लिए d is equal to 2r, इसको हम d1 मान लेते हैं. 2r1 is equal to given है 21 सेंटीमीटर. तो आर वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर. इसके लिए तो इसका डाया क्या हो जाएगा? दिस प्लस इनके इसकी जो विड्थ है मीन्स आर टू इज इक्वल टू 10.5 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. नाउ इस पाथ का जो एरिया होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा. तो नाउ अगर हम इसका एरिया निकालें तो वो क्या हो जाएगा? पाई आर वन स्क्वायर. और इसका निकालें तो ये हो जाएगा पाई आर टू स्क्वायर. हमें फाइंड आउट क्या करना है? एरिया ऑफ रनिंग ट्रैक. तो एरिया ऑफ रनिंग ट्रैक इज इक्वल टू पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर. और हम इसको क्या लिख सकते हैं? पाई अंडर ब्रैकेट आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर. पाई अंडर ब्रैकेट आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर. ठीक है. नाउ इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. ये हो जाएगी पाई 14 स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर. ठीक है. नाउ इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको एक बार फॉर्मूला बताया था. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी. तो इससे क्या होगा ना, हम मल्टीप्लिकेशन से बच जाएंगे. तो नाउ अगर हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करूँ, पाई तो है ही, अंडर ब्रैकेट 14 प्लस 10.5 एक बार प्लस और एक बार करते हैं माइनस. 14 माइनस 10.5. ठीक है. तो दिस विल बी इक्वल टू 22/7 क्योंकि वैल्यू होती है 14 प्लस 10 क्या हो जाएगा 24.5. इधर माइनस किया तो क्या आएगा 3.5. ठीक है. अब इनको हम मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 7 की टेबल से यहाँ डिवाइड किया तो ये आएगा 0.5. अब सबका मल्टीप्लिकेशन आप कर लो तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 22 इंटू 0.5 जो होगा वो होगा 11. ठीक है. ये हो जाएगा 24.5 इंटू 11 आएगा क्योंकि 22 फाइव ज़ा क्या होता है 110 और यहाँ 0.5 है दैट्स वाई 11. अब इसको मल्टीप्लाई करो. 11 फाइव ज़ा 15 की 5 पावर आई 5. 11 फोर जा 44 प्लस 5 क्या हो जाएगा 49. तो यहाँ क्या आएगा 9. 11 टू जा 22 प्लस
फोर क्या हो जाएगा 26, डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ पर एक, तो 269.5। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। नंबर 39, इन एन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ 180 क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ऑफ मैथ साइंस एंड इंग्लिश आर इन द रेशियो ऑफ 5:4:3, फाइंड द परसेंट ऑफ इंग्लिश क्वेश्चन इन द एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोर्शन है वो क्या है, 5:4:6, 5 for maths, 4 for science, इंग्लिश के लिए 3। लेट हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, एक्स वेरिएबल ले लिया, तो 5x + 4x + 3x इज इक्वल टू टोटल क्वेश्चन, दैट इज 180। तो नाउ इनको सम किया तो 5 + 4 = 9, 9 + 3 = 12, 12x इज इक्वल टू 180। तो नाउ x विल बी इक्वल टू 180 / 12 इज इक्वल टू 12 × 12 = 12, 12 × 5 = 60, 15 हो गया x की वैल्यू। और हमें फाइंड आउट किसको करना है, इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है 3x, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 × 3 इज इक्वल टू 45। नाउ अब हमें बतानी है कि वॉट इज द परसेंट, वैल्यू पता चल गई, अब परसेंट कैसे निकालेंगे, इंग्लिश परसेंट इज इक्वल टू टोटल इंग्लिश क्वेश्चंस डिवाइडेड बाई टोटल क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड विथ 100। ठीक है, नाउ यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 3 की टेबल से 3 × 6 = 18, यहाँ क्या हो जाएगा 15, नाउ यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 5, नाउ 2 की टेबल से यहाँ किया 5, तो 5 और 5 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 25%। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। 1/4 ऑफ अ पोल इज पेंटेड रेड, 2/5 इज पेंटेड ब्लू एंड द रिमेनिंग 21 मीटर इज पेंटेड ग्रीन, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि जो 2/5 है, ठीक है, 1/4 है उसको कर दिया रेड, 2/5 को कर दिया ब्लू और 21 जो बच गया उसको कर दिया ग्रीन। तो हमें फुल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम लेट करते हैं कि हाइट जो है पोल की दैट इज एक्स। अगर हमने उसकी एक्स ले ली तो एक्स बाई फोर मीन्स कि रेड के लिए क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ एक्स, मीन्स कि दिस इज इक्वल टू एक्स बाई फोर, क्लियर हो गया। नाउ इन्होंने लिखा 2/5 ब्लू हो गया, तो ब्लू के लिए क्या हो गया 2/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x/5। अब ग्रीन के लिए कितना बचा, एक्स माइनस इन दोनों को प्लस करो x/4 + 2x/5 इज इक्वल टू 21, क्योंकि जो रिमेनिंग है वो 21 है। नाउ इनका एलसीएम लेंगे तो कैसे करते हैं, सिंपल से आप कर दो, x माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x + 8x / 20 इज इक्वल टू दिस इज 21। फर्दर सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5x + 8x से क्या हो जाएगा 13x। इसके बाद की इक्वेशन मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसको हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा x - 13x / 20 इज इक्वल टू 21। नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 20, और यहाँ हो जाएगा 20x - 13x इज इक्वल टू 21। मीन्स 20x - 13x क्या होगा, 7x इज इक्वल टू 21/20। तो x विल बी इक्वल टू 21, 20 अपोजिट साइड जाएगा तो डिवीजन से प्रोडक्ट और 7 प्रोडक्ट से डिवीजन में, 7 × 3 = 21 और 3 से 20 को मल्टीप्लाई किया तो 60। ठीक है, तो लेंथ क्या हो गई 60, हाइट क्या होगी 60, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। 41, क्वेश्चन नंबर 41, 3 persons स्टार्टेड टुगेदर फॉर देयर मॉर्निंग वॉक, देयर स्टेप्स मेजर्स 15 cm, 25 cm एंड 30 cm रिस्पेक्टिवली, वॉट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। ठीक है, तो नाउ अब हमें यहाँ पे बतानी है मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस जब ऐसे केस में फाइंड आउट, लेंथ क्या है 15, 25 एंड 30, 3 की टेबल से 3 × 5 = 25, 10, एलसीएम ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर है 15 देन 25 देन 30, सबसे पहले 2 से यहाँ आएगा 15 × 25 = 15, नाउ 3 से यहाँ आएगा 5 × 25 = 5, नाउ 5 की टेबल से 5 × 5 = 25 और यहाँ 5 से तो 1, 1, 1। ठीक है, तो नाउ एलसीएम क्या हो गया 2 × 3 × 5 × 5, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30 और 35 × 150 cm, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। इन अ क्विज
team A scored 45, minus 50 and 75 points in 3 successive rounds, whereas team B scored minus 45, 50 and 20 points. Which team scored more and by how much points? So, hum sabko add karenge. To team A ke liye kya ho jayega? 45 plus minus 50 plus 75 means 45 plus 75 minus 50. तो इसको जब हम करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 75 माइनस 50 25 हो जाएगा, तो 45 प्लस 25 इज इक्वल टू 70. ये हो गया टीम ए का. नाउ टीम बी के लिए, फॉर टीम बी सेम वे जब सम करेंगे तो 50 प्लस 25 माइनस 45, तो यहाँ क्या होगा, 75 माइनस 45 इज इक्वल टू 30. ठीक है, विच ऑफ द टीम स्कोर मोर, तो यहाँ से पता चल गया कि टीम ए ने स्कोर मोर किया, मींस बी और सी तो गया. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, इसने किया 70, इसने किया 30, तो डिफरेंस क्या हो गया, 70 माइनस 30 इज इक्वल टू 40. मींस विच ऑप्शन इज करेक्ट, टीम ए 40 पॉइंट्स, डी इज द राइट ऑप्शन. थ्री, अशोक वेंट टू विजिट अ हिली एरिया विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 747.585 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस. He travelled 84.375 km by motorbike, 514.260 km by train and rest by car. Find the distance travelled by Ashok through car. तो सबसे पहले तो इन दोनों को add कर देंगे, this value and this value, and जो आएगा उसको subtract कर देंगे total distance से. तो यहाँ पर summation करते हैं, 514.260 ये है by train, and motorbike वाली distance क्या है, 84.375 प्लस करते हैं 0 प्लस 5 5 6 प्लस 7 13 की 3 पावर आई 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6.8 1 प्लस 8 9 एंड यहाँ आएगा 5. नाउ जो कार से होगी डिस्टेंस ट्रेवल, मींस रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस 747.585 एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार एंड सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल बाई बाइक एंड ट्रेन दैट इज 598.635. ठीक है, माइनस करते हैं, 5 से 5 गया 0, 8 से 3 माइनस किया 5, 5 से 6 जाएगा नहीं, बोरो करेगा, 15 से 6 गया 9 पॉइंट. अब 7 ने बोरो दिया था तो ये क्या बच गया, 6. अब 6 से 8 जाएगा नहीं तो बोरो करेगा, इट बिकम्स 3 और इट बिकम्स 16. 16 से 8 माइनस किया 8, 3 से 9 जाएगा नहीं तो बोरो करेगा, ये 6 और ये 13. 13 से 9 माइनस किया 4, 6 से 5 माइनस किया 1. 148.950 means C is the right option. Now question number 44. A 34 meter long ladder reached a window 16 meter from the ground on placing it against a wall. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. ठीक है, तो हमारी जो ladder है कैसे है, ये wall के side 16 meter है. ठीक है, और जब ladder होगी तो ऐसे होगी ना, और ladder की length क्या दे रखी है, 34 meter और दिस इज 16 मीटर, ये डिस्टेंस पूछी है. ठीक है, ये डिस्टेंस, तो नाउ ये राइट एंगल बन गया, तो क्या यूज होगा यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, लेट इसको नाम दे देते हैं ए बी सी. तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर विल बी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है, एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, बी सी, तो बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर. नाउ वैल्यूज पुट करते हैं, ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 34, ए सी की 34, 34 का स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या है, 16, 16 का स्क्वायर. ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो आप, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 34 का स्क्वायर क्या होता है, 1156, और 16 का क्या होता है, 256, 256. दोनों को माइनस किया तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 900, और ये जो 900 हमें मिला वो क्या है, ए सी स्क्वायर. ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 900 मीन्स 30 × 30. तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 900 या अंडर रूट ऑफ 30 × 30. मीन्स फाइनली हमें एसी की वैल्यू मिलेगी 30. तो नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन देख लेते हैं.
यहां पर ऑप्शन हमारा बी, बी इज द राइट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पार्टी नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल केम इन द रेशियो ऑफ 7:9. मीन्स की मेल कॉलन रेशियो फीमेल इज इक्वल टू 7:9. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इफ नंबर ऑफ मेल्स वॉज 16 लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल्स. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं x. ठीक है, अगर x ले लेंगे तो मेल क्या हो जाएंगे 7x और फीमेल क्या हो जाएंगी 9x. ठीक है, नाउ फीमेल होगी बिकॉज मेल का रेशियो 7 था और फीमेल का 9 था, तो x लिया तो 7x एंड 9x. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, हमें टोटल फाइंड आउट करने हैं. अब लिखा है इफ नंबर ऑफ मेल्स वॉज 16 लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल्स, मीन्स जो 7x है दैट इज इक्वल टू फीमेल का नंबर माइनस 16. ठीक है, तो नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो साइड बदलते हैं, 16 को इस साइड लेके आए तो माइनस से क्या हो गया प्लस, 7 को अपोजिट साइड लेके गए तो 9x माइनस 7x, तो यहाँ क्या आएगा 2x. नाउ वी हैव 2x इज इक्वल टू 16, तो नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 बाई 2 इज इक्वल टू 8. तो नाउ टोटल कितने हो जाएंगे, मेल प्लस फीमेल इज इक्वल टू 7x प्लस 9x इज इक्वल टू 16x, और x की वैल्यू क्या है 8, तो 16 मल्टीप्लाइड विथ 8 इज इक्वल टू 128. नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस वन. नाउ अचीवर सेक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर. ठीक है, तो ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर ऐसा नहीं है, जो इंटीजर होते हैं वो निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो निगेटिव इंटीजर्स जो होंगे वो होल नंबर्स नहीं होंगे, मीन्स दिस इज फॉल्स. तो ए गया और डी भी गया. नाउ यहाँ पे चेक करो, सेकंड तो ट्रू ही है तो मान के चलो ट्रू, स्टिल हम चेक कर लेते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 140, इफ वन ऑफ देम इज -75 देन द अदर इज -4. चेक करके देख लो, माइनस इफ वन इज क्या लिखा है, इफ वन इज -35 देन अदर विल बी -4. तो चेक करके देख लो, -35 मल्टीप्लाइड विथ -4, माइनस माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा प्लस. 4 5 20 की 0 पावर आई 2, 4 3 क्या होता है 12, 12 और 2 क्या होगा 14, तो दिस इज ट्रू. ठीक है, नाउ अब लास्ट कंडीशन क्या है, -1 इज ग्रेटर देन ऑल अदर नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला कि -1 जो होता है वो सारे नेगेटिव नंबर से ज़्यादा होता है, इसके अलावा जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो दिस इज ट्रू. क्योंकि देखो, जब हम इंटीजर्स की लाइन ड्रॉ करते हैं, ये 0 होता है और 0 के इस साइड हमारे प्लस होते हैं और इस साइड -1 होते हैं, तो 0 से जो सबसे पास यहाँ पर है उसकी वैल्यू क्या है -1. इस साइड 0 से नियरेस्ट नंबर की वैल्यू, सबसे नियरेस्ट जो होता है नंबर वो उसकी वेटेज ज़्यादा होती है, और प्लस साइड में जो जितना दूर होता है राइट साइड की तरफ उसकी वेटेज ज़्यादा होती है. तो -1 जो होगा निगेटिव नंबर्स में सबसे ज़्यादा ग्रेटर होगा, मीन्स फॉल्स ट्रू ट्रू, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, अब हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, अब इन्होंने फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट केस है, इसमें लिखा है 7 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 21 की पावर 5, मीन इसको हम लिखेंगे 21 की पावर 5 मल्टीप्लाइड विथ 18 की पावर 3. ठीक है, तो नाउ अब यहाँ देखो, जो 21 है, 21 क्या होता है 7 into 3. ठीक है, और 18 क्या होता है 9 into 2 लिख सकते हो. ठीक है, 9 into 2, और 9 को क्या लिख सकते हो आप 3 square. ठीक है, तो पहले हम 9 लिख के देखते हैं, तो मीन्स दिस बिकम 7 की पावर 7 ऊपर थी इंटू, यहाँ क्या हो जाएगा 9 into 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 21 को हम क्या लिखेंगे 7 into 3 की पावर 5. ठीक है, नाउ अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इंडिविजुअल पे पावर आएगी, तो नाउ इट कैन बी रिटेन 7 की पावर 7 इंटू 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और उसकी भी पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा 9 3 की पावर 6. ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5. ठीक है, अब जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 की पावर 7 माइनस 5, क्योंकि ये 7 और ये 7 डिवीज़न में है, इंटू 3 की पावर 6 माइनस 5, क्योंकि ऊपर वाला 6 ऊपर है और 5 नीचे है डिवीज़न में, इसलिए माइनस, इंटू 2 की पावर 3. तो नाउ फाइनली हमें क्या बचेगा, 7 की पावर 2, क्योंकि 7 माइनस 5 है तो 2 हो जाएगा, 3 की पावर 1 क्योंकि 6 माइनस 5 है,
इंटू 2 की पावर 3। तो स्टेटमेंट देखो, पहला 7 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1। ठीक है, तो ये आ गया। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, तो ए इज द राइट ऑप्शन, तो हमें बाकियों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा होता कि दो ऑप्शन होते या ऑल ऑफ दीज होते तो हमें बाकी को करने की जरूरत नहीं, तो जरूरत थी, अदरवाइज नहीं है, हमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट मिल गया, तो दिस इज द सोल्यूशन। 8, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है स्टेटमेंट 1, मुकुल सेल्स एन आइटम एट ₹448 एंड gains a profit of 28%. To gain a profit of 36%, he should sell the item at ₹480. तो सबसे पहले तो हमें उसकी क्या पता होनी चाहिए, कॉस्ट पता होनी चाहिए, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि अगर हमें 28% चाहिए तो कितने का सेल करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 448 और जो प्रॉफिट है दैट इज 28%। तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 448, लेट जो प्रिंसिपल वैल्यू थी दैट इज एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100। ठीक है, परसेंट प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है दैट इज 28 इज इक्वल टू 448 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 के साथ एक्स आएगा, डिवाइड में 100 जाएगा और इधर क्या आएगा, 448 माइनस एक्स। नाउ एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लेके जाएं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एक्स इस साइड आ जाएगा, मींस 28x डिवाइड बाय 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 448। नाउ एक्स को अगर हम कॉमन ले लें तो एक्स बाहर आ गया, यहाँ क्या होगा, 1 प्लस 28 बाय 100 इज इक्वल टू 448। नाउ दिस वैल्यू बिकम्स x अंडर ब्रैकेट 128 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 448। x विल बी इक्वल टू 448 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 128। इसको अगर आप सॉल्व करोगे रफ में तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 350। मींस कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें मिल गया 350। तो इन्होंने क्या बोला था स्टेटमेंट 1 में, टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 36% ही शुड सेल द आइटम एट 480। चेक कर लेते हैं, देखो x इज इक्वल टू हमें मिल गया, क्या मिला, 350। नाउ प्रॉफिट कितना है, 36, तो 36 हमारा प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस हमें फाउंड करना है, तो SP माइनस एक्चुअल अमाउंट 350 डिवाइडेड बाई एक्चुअल अमाउंट इंटू 100। SP माइनस 350 इज इक्वल टू 36 इंटू 350 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से 0, यहाँ से 2 और यहाँ क्या आएगा, 3 और 5 7, यहाँ से किया तो 2 8 2 1 2 और 2 8 16, तो क्या वैल्यू मिली, 18 इंटू 7 126। तो SP इज इक्वल टू 126, ये माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, 350 इज इक्वल टू 476। मींस पहली स्टेटमेंट तो क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि इन्होंने लिखा है 480। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इंक्रीज फ्रॉम 35 to 42 इन मैथमेटिक्स, द परसेंट इंक्रीज इन हिज मार्क्स इज 25%। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस निकालते हैं, 42 माइनस 35, डिफरेंस क्या आया, 7 का। ठीक है, पहले उसके मार्क्स 35 थे, तो नाउ परसेंट निकालते हैं, तो परसेंट इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 100, 7 से ये कट किया 5, 5 से 100 को डिवाइड किया 20, मींस 20%, और इन्होंने क्या लिखा है, 25%, मींस बोथ स्टेटमेंट इज फॉल्स, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 5x³ - x² + 3 इज, तो हमें इसका कोफिशियंट बताना है, कोफिशियंट मींस इसके पास जो मल्टीपल होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर क्या लिखा है, माइनस एक्स स्क्वायर, मींस दिस इज माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो व्हाट इज द कोफिशियंट, कोफिशियंट इज माइनस 1, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, इसके साथ जाएगा दिस वन। ठीक है, नाउ एट y इज इक्वल टू 3 द वैल्यू ऑफ -3y² - y+38 इज, तो यहाँ वैल्यू रखो, -3 है, y स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 -3 + 38। ठीक है,
माइनस 3 इंटू 9 क्या हो जाता है, माइनस 27 माइनस 3 प्लस 38। माइनस 27 और माइनस 30 से क्या होगा, माइनस 3 से क्या होगा, माइनस 30 प्लस 38 मीन्स आंसर क्या होगा 8। दोनों का डिफरेंस क्या होगा 8, पॉजिटिव का 8। तो नाउ चेक करते हैं, तो ये देखो फर्स्ट हमारा इसके साथ मैच हुआ था, सेकंड हमारा फोर्थ के साथ मैच हुआ। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कभी कभी हमें इतने पे ही आंसर मिल जाता है। पी के साथ 1 और क्यू के साथ 4 मीन्स बी इज़ द राइट ऑप्शन। स्टिल मैं बाकी भी वेरीफाई करा देती हूँ। देखो थर्ड क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन 3AB प्लस 1 इज़, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कितने टर्म्स यहाँ पे यूज हुए हैं, तो यहाँ टू टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ आर माइनस एस, द वैल्यू ऑफ आर माइनस एस क्यूब एट आर इज इक्वल टू माइनस 2 एंड एस इज इक्वल टू माइनस 3। तो आर की वैल्यू क्या हो गई माइनस 2 और माइनस साइन पहले से था और एस की वैल्यू क्या है माइनस 3, तो माइनस 3 पुट किया तो नाउ क्या होगा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3, आंसर क्या आएगा 1 मीन्स लास्ट, ठीक है। इसके साथ क्या मैच करेगा, एस मैच करेगा विथ 3। नाउ लास्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड इफ इट हैज़ अ पाथ ऑफ 2 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट द एरिया ऑफ द पाथ। सबसे पहले तो डायग्राम समझ लो, ये सपोज पार्क है, ठीक है, इन्होंने ये बोला ये 10 मीटर है, ये 6 है। अब इसके चारों तरफ जो रास्ता है वो कितने का है, वो है 2 मीटर वाइड। तो अब हमें पाथ निकालना, एरिया किसका निकालना है, इस पाथ का। तो सबसे पहले हमें एरिया निकालना होगा इस पार्क का, देन हम इस बाहर का निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो नाउ पार्क की जो एरिया हो जाएगा, पार्क का एरिया इंटरनल वाला ऐसे था ना, तो इस वाले का जो एरिया होगा वो होगा 10 इंटू 6 मीन्स 60 मीटर स्क्वायर। नाउ अब हमें निकालना है आउटसाइड का, तो आउटसाइड का देखो ये यहाँ तक 10 है और इधर 2 मीटर और 2 मीटर, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी उसकी 14, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 हो गई लेंथ। सेम वे विड्थ की बात करेंगे तो 2 मीटर दिस साइड 2 मीटर इस साइड, तो 6 की जगह पे ये क्या हो जाएगा 10 मीन्स 10। तो आउटर साइड का हो गया एरिया दिस वन। नाउ दोनों का डिफरेंस 140 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 से 00, 14 से 6 गया 8, ठीक है। तो नाउ ऑप्शन देखते हैं, तो पी की वैल्यू हो गई 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दो ऑप्शन है दिस वन एंड दिस वन। लास्ट सेकंड पार्ट देखते हैं, द पैरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 44 सेंटीमीटर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस, द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल इज, सेमी सर्कल, ठीक है। नाउ सेमी सर्कल ये हो गया इसका 2R बिकॉज इसकी डायमीटर है, ये इसकी रेडियस है R, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, पैरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पैरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πR। तो यहाँ सेमी सर्कल है तो पैरीमीटर हो जाएगा, पैरीमीटर इज इक्वल टू 2πR डिवाइडेड बाई 2 बिकॉज हाफ है, प्लस इसका डायमीटर मीन्स 2R, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आर प्लस 2R। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखा है कि दिस वैल्यू मीन्स की पैरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज 44 सेंटीमीटर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स पैरीमीटर, इट्स रेडियस मीन्स की रेडियस है R, तो ये हो जाएगा 2R प्लस 44, ठीक है। तो नाउ सॉल्व करते हैं, R वालों को एक साइड लेके जाते हैं, तो पाई आर प्लस 2R माइनस 2R इज इक्वल टू 44 मीन्स यहाँ से पाई आर इज इक्वल टू 44, ठीक है। नाउ पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 बाई 7 इंटू आर इज इक्वल टू 44, ठीक है। तो नाउ R क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू अपोजिट साइड जाएगा 7 तो मल्टीप्लाई, और 22 अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड, ठीक है। तो 22 टू ज़ा 44 और 2 इंटू 7 क्या हो गया 14, ठीक है, R की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या चाहिए था, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाई 2, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, पाई इज इक्वल टू 22 बाई 7 इंटू आर स्क्वायर इज 14 इंटू 14 बाई 2, 7 टू ज़ा 14 और 2 टू ज़ा 2 वन ज़ा 2, तो नाउ 22 इंटू 14, 14 टू ज़ा 28 की 8 पावर आई 2, 14 टू ज़ा 28 प्लस 2 क्या हो जाएगा 308। नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस,
देखो हमने बी और डी में से कहा था, डी की वैल्यू क्या होगी 408, मीन्स डी इज़ द राइट ऑप्शन. थैंक यू सो मच.